Hey guys, welcome back to the channel. This is Pratish here. Bhavika here. So, आज है वीकेंड, हम लोग एक बीच पे आए हैं. कौन सा बीच है? सी सैंड हाइट बीच पे आए हैं. तो आज हम आपको दिखाएंगे कि यूएस में बीचेस कैसे होते हैं. मुझे तो घुसते ही चौपाटी जैसी फीलिंग आ गई थी. मरीन क्लीन ओरिजिनल चौपाटी. तो आपको दिखाते हैं आसपास में क्या है, पीछे बोर्डवॉक भी है, वो सब भी दिखाते हैं. बहुत ही प्लेजेंट वेदर भी है, मस्त हवा चल रही है. हम यहाँ पे थोड़े फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो वो भी सब दिखाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल. और हमारा यहाँ तक आने की जर्नी भी देख लो आप. हाँ, वो दिखाते हैं हम अभी नेक्स्ट. तो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ कार लेके चल पड़े हैं. ये बीच कुछ 1.5 आवर की ड्राइव पे है. लॉन्ग ड्राइव होने वाली है आज. और आज मौसम इतना अच्छा हो चुका है कि सन ही नहीं दिख रहा है. एकदम परफेक्ट फॉर द बीच. आई लव ब्लू स्काई विद क्लाउड्स. और यहाँ के रास्ते भी इतने सीधे और बिना पोर्टल्स के होते हैं. एंडलेस बस चलते रहो, एकदम सीधे रास्ते है. अब हम पहुंच गए ओशन काउंटी में. उसका शॉट लेना रह गया. यहाँ पे बोट्स का इतना शौक है लोगों को. जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में आपको बोट्स, स्पीड बोट्स वगैरह ही दिखाई दे रही है. वो लोग हर समर में कयाकिंग, स्पीड बोटिंग वगैरह करते रहते हैं. ये सब शॉप्स है जो शायद रेंट पे या बाय आउट करके देती होगी. आगे कोई शोर आ रहा होगा इसके लिए इतनी सारी शॉप्स एक साथ आ गई है. और यहाँ पे लोग एकदम समर फील्स उठाते हैं क्योंकि विंटर्स में ये स्कोप ही नहीं है यहाँ पे आने का और ये सब करने का. क्योंकि यू गेट ओनली स्नो एवरीवेयर, इट्स सो कोल्ड. और यहाँ से पानी चालू हो गया है. हम पूरे ओशन के बीच में चल रहे हैं. ये ब्रिज बनाया गया है जो कनेक्ट करता है हमें वो टाउन से जो कि सी साइड कुछ तो टाउन है. दोनों बाजू में पानी ही पानी है. लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर. और हमारी गाड़ी बीच में से चल रही है. मैप्स पे इतना प्रिटी दिख रहा है. पानी के बीच में हम लोग चल रहे हैं. ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको मैप्स में. बहुत ही मस्त दिख रहा है. ब्लू पानी, ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड, साफ सुथरे रोड्स, इट्स ब्यूटिफुल. और यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पीड बोटिंग कर रहे हैं कुछ लोग पानी में. बहुत सारे शिप्स है, यॉट्स है. बहुत ही मस्त दिख रहा है. और अब हम पहुंच गए सी साइड हाइट्स में. दिख रहा है आपको डायरेक्शन बोर्ड, वेलकम टू सी साइड हाइट्स. और ऐसा कुछ फर्स्ट लुक है यहाँ का. बोट वॉक है ये बीच का. और बहुत सारे लोग आए हुए हैं. संडे इवनिंग है आज. यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स है बोट वॉक पे. और आगे रेस्ट रूम और शावर एरिया भी है चेंज वगैरह करने के लिए. और ये अम्यूजमेंट पार्क भी है. बहुत सारे इंटरेस्टिंग राइड्स दिख रहे हैं. आई एम सो एक्साइटेड. फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस है न्यू जर्सी में आके मेकिंग मेमोरीज इन अमेरिका. एंट्री फीस है $10 की बीच एक्सेस करने के लिए. और ऐसी कुछ रिस्ट बैंड दे रहे हैं. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. बीच दिखाता हूँ यहाँ पे, कैसा वाइब्स है वो सब दिखाता हूँ. समर है ना, तो समर पे लोग बीच ये सब बहुत प्लेसेस को प्रेफर करते हैं. इतने सारे सीगल्स है यहाँ पे. बहुत ही प्लेजेंट है. और क्या हवा चल रही है, मस्त ठंडी ठंडी, एकदम मस्त फीलिंग आ रही है. और ऐसे ही आपको हमारे साथ यूएस देखना है, घूमना है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे, ताकि और व्यूज आए और मोटिवेशन मिले. और प्रतीश मुझे ही बहुत तेज हो रहा है. मैं फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये वीडियो फॉरवर्ड करना, ताकि उनको भी यूएस देखने मिले और हमारे चैनल पे थोड़े और व्यूज आ जाए. समझ रहे हो ना. और बाय द वे एक और चीज, बहुत लोगों की कंप्लेन थी कि आवाज बराबर नहीं आ रही है. तो देखो हमने माइक्स ला लिए, एक मेरे पास एक बाहर का, तो ऑडियो भी क्लियर आएगा. थोड़ा बहुत खर्चा कर रहे हो तो आप भी सपोर्ट करो चैनल को. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was ये देखो कुछ ऐसे इधर चादर बिछा दी है. लोग भी ऐसे इतने सारे ऐसे बैठे हैं सब यहाँ पे. भाविका इधर बैठ गई है. कैसा लग रहा है भाविका? मस्त, एकदम मस्त लग रहा है. हाँ, तो चलो अभी पानी के इधर जाते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं. चल भाविका पानी में जाए. चल, मैं आगे जा रही हूँ. वाह क्या सीन है.
वाह क्या सीन है। ये वेव्स तो देखो कितनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है। बहुत ठंडा पानी है ना। बहुत ज़्यादा ठंडा है। Over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're proud. So, अभी हम लोग थोड़ा बहुत पानी में जाके आए, एकदम सरफेस टच किया, ज्यादा अंदर नहीं गए। ठंडा पानी था। हाँ। और हम लोग कपड़े भी नहीं लेके आए चेंज करने के लिए, वरना तो एकदम अंदर तक चले। बाकी के हमारे फ्रेंड्स है वो एकदम अंदर तक चले गए। बट काफी अच्छी प्लेस है ना वहाँ का, फॉर अ चेंज कुछ अलग आ गया है जगह पे। बस अभी थोड़ी देर इधर हम बैठेंगे, चिल करेंगे एंड देन विल गो टू द बोर्ड वॉक। वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे सामने। वो है क्या राइड्स होते हैं ना, मैरी गो राउंड, अम्यूजमेंट पार्क जैसा छोटा सा है, तो वो भी दिखाता है। अभी हम आ गए वो बोर्ड वॉक पे अम्यूजमेंट गेम्स की तरफ, और बीच में हमें ये गेम मिल गया है। सॉफ्ट टॉय खरीदने के चक्कर में गेम खेल रहे हैं। Like I said, for the jumbo right there, you gotta get one more. For choice, you gotta have a full race. Yeah. अब गेम्स खेल रहे हैं, अभी जाते हैं राइड्स की ओर, देखते हैं कौन सी कैसी राइड्स है और कितनी लाइन है। एक्चुअली रात होने आई है तो देखते हैं अब खेल पाएंगे कि नहीं। और यहाँ पे प्यारी सी शॉप्स भी है, कितनी क्यूट सी है, बस लाइटनिंग वगैरह दी है इफेक्ट के लिए। आइसक्रीम्स और फ्राइज वगैरह मिल रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जेन ऑप्शंस तो शायद होंगे नहीं। और ये देखो कितनी डेंजरस राइड लग रही है, बहुत थ्रिलिंग है, मजा आएगा इस पर बैठे के। तो देखते हैं क्या सीन है। ये देखो यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग राइड है, इन दोनों को ऊपर ले लिया और फिर छोड़ देगा मेरे हिसाब से। स्लिंगशॉट है। सो जैसे कि आपने दो तीन वीडियोस में पहले भी देखा, हम एंडिंग करना भूल गए थे, इतना थक गए थे ना। लेकिन जो आपने लास्ट शॉट देखा, स्विंग वाला जो स्लिंग शॉट जैसा वो था, क्या बोलते उसको, स्लिंग शॉट, अरे लेकिन उसको क्या बोलते, राइड या एडवेंचर जो भी था, क्या बोलते उसको, झूला। हाँ, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए, कुछ खाने गए थे। तो फिर से ए टू बी करके कोई रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन फूड जहाँ पे अच्छा मिल जाता, जेन ऑप्शन भी होते, वहाँ पे ही गए। And then yeah, we came back home. आके बहुत थक गए। हाँ, तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो कितना दग रहे हो? बोल दे। Like, share, comment and subscribe. Bye bye. Take care. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability.
ability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder.